शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, हजारों का सामान जलकर हुआ राख। मांझी थाना क्षेत्र के फुलबरिया गांव में शुक्रवार की रात शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी नुमा घर में लगी आग से उसमें रखा बाइक तथा दो साइकिल समेत अनाज कपड़ा बर्तन आदि जलकर राख हो गया। उधर आग बुझाने की अफरा तफरी में गृह स्वामी धर्मेंद्र बैठा भी बुरी तरह से झुलस गए, जिनका इलाज मांझी CHC में चल रहा है। इलाजरत धर्मेंद्र बैठा ने बताया कि आधी रात को विद्युत तार से निकली चिंगारी से अचानक उनकी झोपड़ी में आग लग गई। बाद में जब उनकी नींद खुली तो जान बचाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी के साथ शोर मचाते हुए झोपड़ी से बाहर निकले तथा मौके पर पहुंचे पड़ोसियों के साथ मिलकर आग बुझाने में लग गए। इसी दरमियान झोपड़ी का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वे झुलस गए हैं। मौके पर पहुंची लोगों ने उन्हें मांझी CHC पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मजदूरी करके किसी प्रकार अपना गुजारा करने वाले दंपति के पास आग लगी की घटना के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है। उधर शनिवार की सुबह घटना की सूचना पाकर पहुंचे मुखिया मनीष कुमार सिंह ने उन्हें तत्काल समुचित आर्थिक सहायता की, जिससे पीड़ित दंपति के इलाज एवं खाने पीने की सामग्री एवं कपड़े आदि की व्यवस्था की जा सके। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। खाना पड़े अपने के या कैसे लागे लो बिजली से कौन लेके बड़ा रूला हमारा दो जना छोट छोट वाला एक जना बड़ बना तो अलग हो गेल बड़ा कितना दिन से अलग हो कितना के सामान जल बड़ा रूल लमसम मैंने क्या कर लो बहुत सामान लो कितना के ना धर्मेंद्र बैठा कौन पंचायत ताजपुर आग कैसे लागल बा आग हमने के पता नहीं कि बिजली से लागल बा कि हमने के सूतर ने सन ऊपर आग पूरा लह गई तब हमने के नहीं जा आरो कैसे जल गई ये सामान उमान काढ़े में तो काढ़ना पौने बस एगो हमें मुखिया जी आपके पंचायत में फुलोरिया छोटकी फुलोरिया में आग लगा हुआ है एक झोपड़ी में, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताइए। इस संदर्भ में यही कहना है कि ये धर्मेंद्र बैठा बहुत ही गरीब कमजोर घर के हैं और इनका सब रख रखा उसी में उसी झोपड़ी से होता था, जीवन यापन उसी झोपड़ी से होता था और हमको लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इनके झोपड़ी में कल आग लग गया और इनसे देखा नहीं गया और ये अपने सामान और सब कुछ शरीर बचाने के चक्कर में आग के लपेट में आ ही गए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनका जो स्थिति है, अपने से तो बहुत कोशिश किए हैं लेकिन इनका सामान भी नहीं बच पाया और ये भी आग के लपेट में आ गया। इस संदर्भ में यही कहना है कि हम अपने मांझी प्रखंड के अंचला अधिकारी महोदय से यही आग्रह करेंगे कि इनको जितना भी हो सके सहयोग सरकार की तरफ से मिले और हम लोग यही कोशिश करेंगे। आपके द्वारा क्या दिया जा रहा है? मेरे द्वारा जहां तक संभव होगा हम इनको आर्थिक मदद करेंगे और इनका इलाज उलाज में जो भी मदद होगा हम करेंगे। थैंक यू।